हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीनादान खड़ा हुआ दशानन दहन गुरुवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाला दशहरा पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा पर्व पर शहर में कई स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा गुरुवार को गोधूली वेला में रावण का चबूतरा मैदान में रावण दहन किया जाएगा। इसके लिए रावण के पुतले को रावण का चबूतरा मैदान पर खड़ा कर दिया गया है, साथ ही उसके सारे परिजनों के पुतले भी खड़े कर दिए गए हैं। हमेशा की तरह इस वर्ष भी दशहरा पर्व जोधपुर की परंपरा के अनुसार सद्भाव तरीके से मनाया जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्गा से भगवान रामचंद्र की पूजा के बाद फतेहपोल से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर शाम 5:30 तक रावण दहन स्थल रावण का चबूतरा मैदान पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन व अखाड़े की इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेहरानगढ़ दुर्गा में पूर्व नरेश गज सिंह दोपहर 12:55 पर भगवान रामचंद्र की श्री मुरली मनोहर मंदिर में पूजा करेंगे। वह दुर्गा से दोपहर 1:15 पर रामचंद्र जी की सवारी फतेहपोल के लिए प्रस्थान करेगी। फतेहपोल से बाहर सवारी की अगवानी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी एवं प्रतिमा को रथ में बैठाया जाएगा। साथ में राजा व्यास राजपुरोहित दानाध्यक्ष राजजोशी सुरक्षा अधिकारी एवं नागरिक गण होंगे। तत्पश्चात विभिन्न झांकियों एवं प्रदर्शनों से सवारी दशहरा मैदान के लिए प्रस्थान होगी। इस अवसर पर मेहरानगढ़ में दशहरा दरबार में मारवाड़ रियासत के जागीरदार ठाकुर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचेंगे। साथ ही प्रशासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी महापौर एवं पार्षद उपस्थित रहेंगे। रावण को दिया जोधपुरी लुक। रावण को इस बार आकर्षक जोधपुरी लुक प्रदान किया गया है। रावण को जोधपुरी अचकन सिल्क की धोती और जूतियां पहनाई गई है। चेहरे पर लंबी मूछें और सिर पर पगड़ी पहने रावण का पुतला तैयार किया गया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।